के शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथी नमस्कार। साथियों, एक्सप्लोजर जेकर आय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं आपके सहयोग से आपके लिए अंक ज्योति, समान ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कैसे वास्तु दोष को दूर किया जाए, इस तमाम विषयों पर मैं आपको अच्छी सी जानकारी दे रहा हूँ। आप उसको देख रहे हैं, मेरा उत्साह वर्धन हो रहा है। मैं नई नई चीज़ें खोज करके आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, जिससे आपका भला हो सके। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको मंगल का गोचर भ्रमण के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि मंगल ग्रह किन किन लोगों को क्या क्या कब से अच्छे फल देने वाले हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि मंगल ग्रह जो है 12 मार्च रविवार को चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो लगभग सुबह के भोर में 5 बजे, अर्थात उनका जो पूर्ण प्रभाव शुरू होगा वो 13 मार्च से शुरू होगा। तो साथियों, मंगल चूंकि आप जानते हैं कि उत्साह, शक्ति, संपन्नता, ऐश्वर्यता, व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों के प्रदाता होते हैं आपके बॉडी में, शरीर में, और भौतिक में आपको जमीन जायदाद, घर, खेती बाड़ी, रिश्ते में भाई, इन सब को बल प्रदान होता है मंगल से। जिनके कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, उन लोगों को जमीन जायदाद, खेती इत्यादि से संपन्नता होती है, शरीर स्वस्थ होता रहता है, भाइयों से सहयोग प्राप्त होता है। जिनके मंगल अशुभ होते हैं उनकी सब चीज़ों में कमी हो जाती है। यह तो मंगल किस किस को, किन किन राशियों को अच्छे फल देने वाले हैं, इस वीडियो का यही उद्देश्य है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, सर्वप्रथम मेष राशि। तो साथियों, मेष राशि को जब मंगल होंगे, यह क्या फल देने वाले हैं आपको, तो साहस में वृद्धि होगी और शत्रु पराजित होंगे आपके जो है, और प्रचुर मात्रा में धन का आगमन होगा। और धन का आगमन किस कैसे हो सकता है, जिसे मैंने बताया कि मंगल क्या कैसे थे, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, इन चीजों से आपको विशेष लाभ हो सकता है। और जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अफसर अफसरान हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, इन लोगों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपको आपके धन में अनावश्यक वृद्धि होने का भी योग बनेगा। तो इस तरह से जो मेष राशि के जातक होंगे, इनके लिए बहुत ही अच्छा फल होने वाला है। और चूँकि साथियों, मेष राशि के जो स्वामी वो भी स्वयं मंगल होते हैं, इसलिए सोने में सुहागा है। यदि आपको किसी इस शुभ फल प्राप्त करने में कोई कमी महसूस दिखाई पड़ती हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें, ओम अंगंगार काय नमः का जाप कर लें, ओम क्रां क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः का जाप कर लें। इनको करने सोने में सुहागा होगा, आपका बेहतर और बेहतर होने लगेगा। तो साथियों, उसके बाद आते हैं सिंह राशि को। तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं आपके सूर्य भगवान। तो सिंह राशि वालों को क्या मिलने वाला है कि आरोग्यता प्राप्त होगी। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, पहले से अस्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ प्राप्त होंगे। और आपकी आमदनी में, धन वृद्धि में आशातीत जो आप सोचे नहीं हो, उससे ज़्यादा भी आपको धन मिल सकता है। इस तरह से जो है भूमि, भवन, जायदाद इत्यादि की वृद्धि हो सकती है। यदि आपने, जैसे मैंने बताया कि भूमि, भवन इत्यादि के दाता मंगल होते हैं, यदि आपने, आपका व्यवसाय है कि आप अपने भवन बनाकर, मकान बनाकर किराए उठाते होंगे, तो किराए में वृद्धि हो सकती है।
वायु सहयोग प्राप्त हो सकता है, हर तरह से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यह आपको जो है सिंह राशि वालों के लिए यह मंगल ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं। चूंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए और मंगल सूर्य दोनों आपस में मित्र हैं, तो इसलिए और भी सोने में सुहागा है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल बहुत अच्छे फल प्राप्त करेंगे। उसके बाद साथियों आते हैं मकर राशि पर। जैसे मैंने वीडियो बताया था कि मैं किसको अच्छे फल मिलने वाले उसी विषय में चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो साथियों जो मकर राशि के स्वामी हैं उनके स्वामी होते हैं शनि, लेकिन चूंकि मंगल जो ग्रह हैं ये मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो जिन लोगों की मकर राशि है उनके लिए बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो स्वस्थ होंगे, शत्रु है तो शत्रु पराजित होगा, कोई मुकदमा है मुकदमे में विजय प्राप्त हो सकती है, और आपका जो व्यक्तित्व है इसमें विकास हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जो धातुएं हैं जैसे सोना है तांबा है इनकी भी प्राप्त हो सकती है, और धन तो आपको अपने आप अनायास मिलने ही वाला है। तो इस तरह से आपने देखा कि मंगल जो ग्रह हैं भूमि भवन के जो दाता हैं वह मेष सिंह और मकर तीन राशियों को बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। मेष चूँकि उनकी स्वयं की राशि है, सिंह उनके मित्र की राशि हो गई, और मकर में मंगल उच्च की राशि होते हैं, इसलिए इन तीन राशियों को विशेष धन धान संपन्न करने जा रहे हैं मंगल। तो आशा है कि आपको यह हमारा यह उपाय अच्छा लगा और आपको जानकारी अच्छी लगी। आपको आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों को समय से अवगत होते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।